अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्कबुक का। व्हाट डू पीपल डू फॉर दियर हार्वेस्ट। व्हाट क्या डू सहायक क्रिया पीपल लोग डू करते हैं फॉर दियर हार्वेस्ट का मतलब होता है अपनी फसलें काटते समय। ठीक है, फॉर दियर हार्वेस्ट का मतलब अपनी फसलें काटते समय लोग क्या करते हैं। तो आंसर में बताया गया लोग अपनी फसलें काटते समय काम करते हैं और नाचते हैं, मतलब वर्क भी करते हैं एंड डांस करते हैं। तो वर्क एंड डांस लिखना होगा आपको। तो सबसे पहले आपने लिखा पीपल लोग वर्क एंड डांस करते हैं और अपनी फसलें काटते समय जी लिखा है फॉर दियर हार्वेस्ट अपनी फसलें काटते समय। तो पीपल लोग और वर्क एंड डांस करते हैं फॉर दियर हार्वेस्ट। ठीक है, पीपल और वर्क एंड डांस फॉर दियर हार्वेस्ट। तो इस प्रकार से सबसे पहले पीपल लिखा पीपल और फिर वर्क एंड डांस और फॉर दियर हार्वेस्ट लिखा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं दैट अपीयर जो लगती हैं अट्रैक्टिव आकर्षक लगती हैं व्हेन देयर इज सनलाइट जब सूरज की धूप होती है। तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आकर्षक लगती हैं जब सूरज की धूप होती है या धूप होती है। तो बताया गया है पेड़ मतलब द ट्रीज और जो बताया गया पक्षी द बर्ड्स लिख देते हैं ट्रीज द ट्रीज द वर्ड्स और कॉर्न मतलब होता है अनाज कॉर्न ग्रोइंग उगता हुआ अनाज कॉर्न ग्रोइंग मतलब उगता हुआ अनाज एंड ठीक है एंड लिख देते हैं और पीपल मतलब लोग वर्किंग काम करते हुए और डांसिंग नाचते हुए फॉर दियर हार्वेस्ट। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था फॉर दियर हार्वेस्ट का मतलब अपनी फसलें काटते समय। तो यहाँ लिखा पीपल वर्किंग काम करते हुए और डांसिंग नाचते हुए फॉर दियर हार्वेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखा है द ट्रीज द वर्ड्स कॉर्न ग्रोइंग कॉर्न अनाज और ग्रोइंग उगता हुआ एंड ठीक एंड लिखा पीपल वर्किंग काम करते हुए और डांसिंग नाचते हुए फॉर दियर हार्वेस्ट और फिर आकर्षक लगते हैं जब सूरज की धूप होती है। तो यहाँ पे आकर्षक लगते हैं अपीयर अट्रैक्टिव appear attractive when there is sunlight। पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं कि appear attractive when there is sunlight। तो सबसे पहले लिखा the words ठीक है the words से यहाँ पे the trees the words और corn growing उगते हुए अनाज and people working or dancing for their harvest और फिर appear attractive when there is sunlight। तो इस टाइप से सबसे पहले the trees लिखा the words लिखा corn growing उगते हुए अनाज and और फिर पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट लिखा और फिर क्वेश्चन लिखा है अपीयर अट्रैक्टिव एंड देयर इज सनलाइट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट अकाउंट्स मतलब कौन विवरण देता है फॉर ब्यूटी सुंदरता का इन योर सेल्फ अपने आप में सुंदरता का विवरण कौन देता है। तो अच्छे कार्य गुड मतलब अच्छे और डीड लिखा गया है वर्क भी आप लिख सकते हैं गुड डीड मतलब अच्छे कार्य एंड हैप्पी मतलब खुशी वाले और थॉट्स मतलब विचार। तो गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स मतलब खुशी वाले विचार और अपने आप में सुंदरता का विवरण देते हैं अकाउंट बस अब ऐसे नहीं लगाओगे क्योंकि बहुवचन हो गया सब्जेक्ट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ पूरा क्वेश्चन लिख देते हो। तो कैसे बनाया जाएगा गुड डीड्स अच्छे कार्य एंड हैप्पी थॉट्स अच्छे वाले खुशी वाले विचार और अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ क्वेश्चन लिख देते गुड डीड एंड हैप्पी थॉट वर्स। तो सबसे पहले लिखा गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स और फिर लिखा अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ गुड डीड्स लिखना है एंड हैप्पी थॉट्स और फिर अकाउंट एस बस नहीं लगाना फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ।